एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज 38th पैरेलल। ये लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। 1910 से 1945 के बीच कोरियन पेनिनसुला जापान के कंट्रोल में था। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो 38 पैरेलल को यूएसएसआर और यूएसए के कब्जे वाले एरियाज के बीच बाउंड्री बनाई गई थी। यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया और यूएसए ने साउथ कोरिया को कब्जा किया था। 38 पैरेलल ने कोरियन पेनिनसुला को नियर अबाउट बीच से डिवाइड किया था। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने 38 पैरेलल को क्रॉस करके साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया। तो साउथ कोरिया की हेल्प के लिए यूनाइटेड नेशंस आगे आया, जिसमें मोस्टली अमेरिकन आर्मी थी। एक मूवी है ऑपरेशन क्रोमाइट, जो कि बैटल ऑफ एंजियन पे है। आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर कोरियन वॉर को समझना है तो। 1953 में आर्मस्टिक एग्रीमेंट साइन की गई, जिसमें नई बाउंड्री लाइन बनाई गई। इस बाउंड्री लाइन के दोनों तरफ डीमिलिटराइज्ड जोन है, जो कि एक बफर जोन है जिसमें किसी की भी आर्मीज नहीं रहेंगी। अप्रॉक्सीमेटली ये डीमिलिटराइज्ड जोन 250 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर चौड़ी है। इसको मोस्ट डेंजरस बॉर्डर भी बोलते हैं। और यह बाउंड्री लाइन एग्जैक्टली 38 पैरेलल लाइन पे ना होके साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाते हुए 38 पैरेलल को क्रॉस करती है। अगला हमारा है मैगिनॉट लाइन। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगिनॉट लाइन एक कंक्रीट फोर्टिफिकेशन के टाइप में है, जिसको फ्रांस ने बनाया था ताकि जर्मन फोर्सेस इसको क्रॉस ना कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फोर्ट टाइप में है। इसके बावजूद जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में एंटर हो जाती है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव एफर्ट था, जो कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती थी। अगला है सिगफ्राइड लाइन। ये लाइन भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। इसको जर्मनी में वेस्ट वॉल कहते हैं। इसको जर्मनी ने बनाया था, जो कि फ्रांस के बनाए हुए मैगिनॉट लाइन के जस्ट अपोजिट था। आप मैप में देख सकते हैं कि ये मैगिनॉट लाइन है, जो कि फ्रांस ने बनाया था, और ये सिगफ्राइड लाइन है, जो कि जर्मनी ने बनवाया था। अगला है 17th पैरेलल। ये लाइन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में था, जो कि जिनीवा एकॉर्ड्स 1954 के तहत बनाई गई थी। नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन, चाइना जैसे कम्युनिस्ट एलाइज सपोर्ट करते थे, और साउथ वियतनाम को यूएसए जैसे एंटी कम्युनिस्ट एलाइज सपोर्ट करते थे। जो बाउंड्री लाइन थी वो एग्जैक्टली 17th पैरेलल पर ना होके इसके साउथ से जाती थी, अप्रॉक्सीमेटली बेन हाई रिवर के अलोंग जाती थी। 1976 में अमेरिकन फोर्सेस की हार के बाद नॉर्थ और साउथ वियतनाम यूनाइट हो गया। अगला है डूरंड लाइन। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये एक्चुअल में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री थी। स्मगलिंग और टेररिज्म की वजह से ये बाउंड्री मोस्ट डेंजरस बॉर्डर्स में से एक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में गोल्डन क्रिसेंट पड़ता है, जहां ओपियम का प्रोडक्शन होता है। तो इस बॉर्डर से ओपियम की स्मगलिंग की जाती रही है। अगला है हिंडनबर्ग लाइन। ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में पड़ता है। इसको जर्मनी ने बनाया था और 1917 में वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जर्मनी यहाँ से पीछे हट गई थी। अगला है मैकमोहन लाइन। ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ये बेसिकली तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में है, जो कि 1914 के शिमला कन्वेंशन के बाद लागू की गई थी। चाइना इस लाइन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि उसका मानना है कि तिब्बत एक सोवरेन स्टेट नहीं था उस समय, तो वो डिसीजंस भी नहीं ले सकता है। अगला है मैनरहेम लाइन। ये रशिया और फिनलैंड के बीच में है। फिनलैंड ने इसको डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन के फॉर्म में कैरेलियन इस्थमस पे बनाया था, ताकि वो सोवियत यूनियन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली है फिनलैंड है, और ये सोवियत यूनियन है, और ये यहाँ से मैनरहेम लाइन ये जा रही है। अगला है 49th पैरेलल। ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। 19th सेंचुरी में सर्वे के बाद यह पाया गया कि एग्जैक्टली ये 49th पैरेलल पे ना होके इससे थोड़ा डेविएट करती है। आप मैप में देख सकते हैं कि ये 49th पैरेलल है,
और ये जो इनकी बाउंड्री है ये थोड़ी सी यहाँ से डेविएट कर जाती है। अगला है ऑर्डर नीस लाइन, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। इसको वर्ल्ड वॉर टू के बाद पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस के बाद इसको लागू किया गया था, जो कि ऑर्डर और नीस रिवर के अलोंग है। अगला है वो है रेडक्लिफ लाइन, इसको साइरिल रेडक्लिफ ने रातों रात ड्रॉ किया था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के फॉर्म में था, ये वेस्टर्न पाकिस्तान था और ये ईस्टर्न पाकिस्तान था। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर को भी रेडक्लिफ लाइन के नाम से ही जाना जाता है। अगला है लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज LOC। ये इफेक्टिव मिलिट्री बाउंड्री है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अगला है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज LAC। यह इंडिया और चाइना के बीच इफेक्टिव मिलिट्री बाउंड्री है। बेसिकली 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद चाइना ने अक्साई चीन एरिया पे कब्जा कर लिया था, और 1963 में सीज फायर के बाद भी चाइना ने अक्साई चीन को नहीं छोड़ा था। सो लेट्स रिकैप। 38th पैरेलल पड़ता है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में पड़ता है। मैगिनॉट लाइन पड़ता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। सिक फ्राइट लाइन पड़ता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 17th पैरेलल पड़ता है नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में पड़ता है। मैकमोहन लाइन पड़ता है इंडिया और चाइना के बीच में। मैनरहेम लाइन पड़ता है रशिया और फिनलैंड के बीच में। 49th पैरेलल पड़ता है USA और कनाडा के बीच में। ऑर्डर नीस लाइन पड़ता है जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेडक्लिफ लाइन पड़ता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में और इंडिया एंड बांग्लादेश के भी बीच में। लाइन ऑफ कंट्रोल पड़ता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता है इंडिया और चाइना के बीच में। थैंक यू।